सारे गणमान्य चिकित्सकों की बैठक की एक संगोष्ठी सभागार में रखी गई थी डाबर इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जिसमें शहर के सारे प्रसिद्ध चिकित्सक वहां उपस्थित थे और जितने भी जटिल रोग है उस जटिल रोग पर चर्चा परिचर्चा चली, जो आधुनिक युग में असाध्य रोग हो चुका है उसके निवारण के लिए वहां चर्चा चली। हमारे विद्वान पंडित वसंत कुमार मिश्रा जी उस सभा के संचालक एवं सभापति थे, साथ में डॉक्टर ममता सिन्हा, डॉक्टर अखिलेश सिंह, डॉक्टर आर के सिंह, वैद्य पवन कुमार, शहर के अन्य वरिष्ठ चिकित्सक गण भी वहाँ उपस्थित थे। सर, जटिल किन किन रोगों पर चर्चा चली है? सर, चर्चा चला हृदय घात पर जी, वृक्क दोष पर, मधुमेह पर, पक्षाघात पर जी, जिसे ब्रेन स्ट्रोक पर जी, जटिल लोगों पर चर्चा चली और उसका अस्थाई निदान पर भी चर्चा चली। तो सर, इसमें ये जो कार्यक्रम आपका हुआ, इसमें मूल रूप से क्या आया? क्षण करके यही आया कि आयुर्वेद को अध्यात्म से, आयुर्वेद आयु का ज्ञान है जी, इस ज्ञान के सामने में ये जितने भी हमारे वेद हैं, सारे वेद में इसकी विस्तृत वर्णन है। हमारे सुश्रुत के द्वारा शल्य चिकित्सा की गई है, इसका भी वर्णन है। हमारे धन्वंतरी और चरक के द्वारा, बांग भट्ट के द्वारा जो रचित द्रव्य गुण का जो ज्ञान दिया है, जिससे मानव जाति को बचाने के लिए पर्याप्त है। आज के समय में असाध्य रोग जो है, पर जहां मॉडर्न विराम लगा रहा है, वहां से हमारी चिकित्सा पद्धति नवजीवन देने का काम कर रहा है, इस पर चर्चा चल। सर, एक चीज बताया जाए कि ये असाध्य रोग आसानी से समाप्त हो जाए, लोगों को ग्रसित ना करे, इसके लिए आप एक वैद्य होने के नाते और प्रमुख चिकित्सक होने के नाते आप बताइए कि क्या करना चाहिए लोगों को। देखिए, रोग के कारण जी, जो मूल रूप से देखा गया है, आयुर्वेद में बताया गया है ना, तीन कारण है उसका जी सर, आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य। ये तीन चीज को साथ लिया जाए तो रोग की उत्पत्ति वहां रुक जाएगी। आहार में हम दूषित भोजन न ले, केमिकल युक्त भोजन न ले, प्राकृतिक रूप से निर्मित भोजन ले, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। निंद्रा, देर रात तक टीवी देखना, देर रात तक मोबाइल देखना, ये रोग का कारण है। और ब्रह्मचर्य, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा श्रवण करना, जब तक आप नहीं करेंगे तो आपकी मन मस्तिष्क को आराम नहीं मिलेगा और आप उत्तेजित रहेंगे, और उत्तेजित रहने से आपको नाना प्रकार के व्याधि से ग्रसित होंगे।